Okay. Hello, everyone. Yes. Good evening, my students. So, as you know, we have already started the chapter Molecular Basis of Inheritance, and I think three classes have been completed with this chapter. So, today we are going to study more about the search for the genetic information. Okay. So, or the genetic material. All right, so that we are going to study today. In the last class, you have studied about the Griffiths experiment, which has, you know, concluded with the transforming principle. In this class, we are going to continue with that experiment by taking the criteria of that transforming experiment. Okay, so what Griffith had told, I think let's wait for 2 more minutes. Okay, it's exactly 5 o'clock. Okay, before that, I'm going to ask you another question. Am I perfectly audible and visible to you? Is the screen visible? If it is visible, give me a thumbs up on the chat box. Okay. Okay, Himanshi. Okay, so we are going to start the class now. So as I have already explained to you in the last classes, so what Griffith had done, Griffith had worked on the Streptococcus pneumoniae, which is the causal organism for causing pneumonia. ठीक है, निमोनिया को कॉज करने के लिए वो एक क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म है. तो उसमें दो स्ट्रेन हम लोगों ने देखा, वन वाज आर स्ट्रेन और एक था एस स्ट्रेन. एस स्ट्रेन वाज विरुलेंट एंड हार्मफुल, आर स्ट्रेन वाज नॉन विरुलेंट. क्यों नॉन विरुलेंट था? क्योंकि उसके सराउंडिंग में पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं थी. एस स्ट्रेन में पॉलीसैकेराइड कोटिंग थी तो वो उसको विरुलेंट बना रहा था. ठीक है, तो ग्रिफिथ ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आर स्ट्रेन जब माइस पे इंजेक्ट किया तो माइस लिव्ड, जब एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस डाइड. When heat, you know, heat killed S strain inject kiya, tab live hua. Okay, mice had been lived. But the problem was, or you can say where the, you know, shift had occurred was, where heat killed S strain ko R strain ke saath jab combine karke inject kiya gaya, then we saw the R strain had converted into S strain. To iska matlab kya hai? S strain ko humne heat kill karne ke baad bhi kuch aisa bach gaya tha usme. वो क्या कर रहा है? आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है. तो दैट वाज कॉल्ड अस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ. ठीक है, तो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको दिया था एवरी मैक्लोड एंड मैकार्टी ने. ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट हैड बीन यू नो हेल्पफुल इन नोइंग द जेनेटिक मटीरियल. बट इनका एक्सपेरिमेंट ही एक ऐसा नहीं है जिसने बताया कि हाँ भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल. वो हुआ था हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में. हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में इट वाज क्लियर दैट यस, नॉट प्रोटीन्स, नॉट आरएनए, नॉट कार्बोहाइड्रेट, बट जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो दिस हैड बीन अ वेरी हेल्पफुल एक्सपेरिमेंट. तो व्हाट हैड हैपन हियर, लेट्स सी. 1944 में अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ऑसवर्ल्ड एवरी, कोलिन मैक्लोड एंड मैकलिन मैकार्टी, they continued the Griffith experiment in search of the biochemical nature of the hereditary material. भाई सबको तो पता चल गया था Griffith experiment में कि हाँ कुछ तो transform हुआ है, लेकिन क्या transform हुआ है, उसका biochemical nature क्या है, क्या हो सकता है? Protein हो सकता है, या carbohydrate हो सकता है, या DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, क्या है? देखो बेटा, इन लोगों को biochemicals के बारे में knowledge तो थी, बट इनको ये नहीं पता था कि क्या वो बायोकेमिकल है जो जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो उसके सर्च में ये लोग निकले हैं. ठीक है, सो व्हाट दे डिड वाज, सी प्रॉब्लम हुआ था हमारे हीट किल्ड एस स्ट्रेन में, है ना? तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इन्होंने क्या किया, इसके सारे बायोकेमिकल केमिकल्स निकाल लिए. ठीक है, तो इनका सारा बायोकेमिकल, जितने भी इनके पास बायोकेमिकल हो सकते थे एस स्ट्रेन में, तो सारे प्यूरिफाई करके निकाल लिए. तो व्हाट वी गॉट हियर, वी गॉट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन. ओके, और द हीट किल्ड एस सेल्स. तो एस स्ट्रेन से हमको ये सारे बायोकेमिकल्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, तो अब हमको क्या समझना है, देखो. सो हियर व्हाट वी वांट टू डू, एस स्ट्रेन एक्सट्रैक्ट ले लिया हमने जो कि हीट किल्ड था, है ना? तो दिस वाज हीट किल्ड एस स्ट्रेन. तो हमने क्या किया बेटा, इसमें से सारे अलग कर लिए, है ना? बायोकेमिकल्स को अलग कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग कर लिया, प्रोटीन्स को अलग कर लिया, आरएनए वो सेपरेटेड एंड डीएनए वो सेपरेटेड.
तो इसके बाद अब हमको प्रूफ करना है ना कि हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट तो करना है कि क्या चेंज हुआ है, कैसे हुआ है, तो सारी चीजें. तो अभी यहाँ पे देख लो, वी हैव सेपरेटेड द बायोकेमिकल्स बाय यस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस्ट्रेन. देखो बेटा, जो हीट किल्ड एस्ट्रेन है उसको लिया, उसमें से बायोकेमिकल सेपरेट किया. अब हम क्या करेंगे, आर स्ट्रेन को सारे इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालते जाएंगे. ओके, वी आर आई एम गोइंग टू एड आर स्ट्रेन इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स. सारे टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन डालते जाएंगे. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है उसमें आर स्ट्रेन ही रहेगा, कोई एस्ट्रेन तो नहीं बनेगा. जिसमें प्रोटीन है, ओके, जो टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन है बायोकेमिकल, उसमें जब आर स्ट्रेन डाला तो आर स्ट्रेन ही रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ. सिमिलरली आरएनए, ओके, जिस टेस्ट ट्यूब में आरएनए था उसको भी हमने आर स्ट्रेन डाला तो देर वॉज नो चेंज. ओके, आर स्ट्रेन ऐसा ही जैसा था वैसा ही था. जब हमने क्या किया, जो टेस्ट ट्यूब में बायोकेमिकल डीएनए था उसमें भी हमने जब आर स्ट्रेन डाला तो कुछ हुआ. क्या हुआ, आर स्ट्रेन हैज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन. ठीक है, जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया. तो अब मैं आपको पूछूंगी, ये आपको पता कैसे चला, है ना, ये सब तो बायोकेमिकली हो रहा है, आपकी आंखों में तो ऐसे दिखेगा नहीं. तो हाउ डिड यू केम टू नो दैट यस ऐसा हुआ है, तो फॉर दैट देर वॉज एन अनदर कन्फर्मेशन टेस्ट. ठीक है, इसके लिए और एक कन्फर्मेशन टेस्ट है. तो उससे पहले हम अब क्या करेंगे, वॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक दिस टेस्ट ट्यूब. ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब है इसको लेंगे हम, इसको करेंगे सेंट्रीफ्यूज. आई होप यू नो वॉट इज सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज इज सिंपली अ डिवाइस. ठीक है, ये एक डिवाइस होता है जिसको हाइयर स्पीड में हम रोटेट करते हैं. ठीक है, हाई स्पीड में जब हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से क्या होगा, लाइटर पार्ट्स जो हैं, ठीक है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब के मटेरियल में जितना भी था उसमें लाइटर पार्ट्स जो हैं वो सुपरनेटेड बन जाएंगे, और जो हैवी पार्ट्स है वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में. ठीक है, वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में, और जो बॉटम में जो हैवी पार्ट सेटल होगा उसको हम बुलाते हैं पेलेट. ओके, दिस इज कॉमन वर्ड. आप जब भी सेंट्रीफ्यूज करोगे यू विल गेट टू यू नो एरियाज बेस्ड ऑन द डेंसिटी. जो सुपरनेटेंट होगा इसमें लेस डेंसिटी होगी, वेर एज द पैलेट वुड हैव हाइयर डेंसिटी बेस्ड ऑन द वेट. बेटा ठीक है, वेट जो हाइयर लेट होगा वो तैरेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट करेगा. पैलेट जो है वो हैवी है. तो ऐसे होता है. ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूज है वो एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क होता है. इसके बहुत सारे वर्जन है बेटा सेंट्रीफ्यूज के, जस्ट आई गिवन यू एन एक्सप्लेनेशन कि कैसे होता है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला ना कि इसका कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी है. तो कंफर्मेशन क्या है, देखो एकदम से देख के डरो नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ उस पे ध्यान दो. ओके, एकदम से देख के डरो नहीं, क्योंकि एकदम से देखने पे समझ नहीं आएगा. जो मैं बोल रही हूँ वो क्लियर से सुनो, और मैं क्या यहाँ पे मार्कआउट कर रही हूँ उसको देखो. ठीक है, चलो. तो वी आर डूइंग द कंफर्मेशन. यहाँ पे देखो बेटा, हमने दो टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब है ए, वन टेस्ट ट्यूब इज ए, अनदर टेस्ट ट्यूब इज बी. ठीक है, तो वन या फिर ए टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है बेटा, वी हैव टेकन हियर, ठीक है, एस स्ट्रेन से निकाला गया हुआ बायोकेमिकल डीएनए एंड प्रोटीन. मैं पहले बता देती हूँ ये कंफर्मेशन हम कर क्यों रहे हैं. देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट से इतना तो क्लियर हो गया था कि हाँ भाई, आरएनए तो बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल नहीं है. लेकिन बहुत लोगों को प्रोटीन और डीएनए में कंफ्यूजन था. वो बता रहे थे कि नहीं भाई, डीएनए नहीं हो सकता, प्रोटीन ही होगा. क्यों, इनके दिमाग में था कि डीएनए एक सिंपल स्ट्रक्चर है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, बट प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स है. कितने अमाइनो एसिड्स हैं उसमें, कितने स्ट्रक्चर्स हैं, लीनियर है, ठीक है, आप चले जाओ फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वहां पे, फिर के बहुत सारे हैं ना वहां पे, बीटा प्लेटेड, हेलिकल है, फिर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है. अब यू हैव रेड ऑल दैट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है. तो कुछ यही होगा, शायद यही हो सकता है जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, तो ऐसा लोगों का परसेप्शन था उस टाइम पे. ठीक है, लेकिन वो बर्स्ट आउट हुआ विद दिस कंफर्मेशन. बट ये होने के बाद भी फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको कितना भी समझाओ समझ में आ तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी इन तीनों ने, ऑसवर्ल्ड, मैक्लोड एंड मैकार्टी ने कोशिश तो की प्रूव करने को. तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लीज नो हैव अ कॉन्सेंट्रेशन हियर. तो टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए में हमने डाला बायोकेमिकल्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन. ठीक है, तो उसी हीट किल्ड एस्ट्रेन का हम लोगों ने डीएनए प्रोटीन दोनों मिलाया. ठीक है, दोनों है, तो यहाँ पे भी दोनों है, बी टेस्ट ट्यूब में भी दोनों है. बट अब हम क्या करेंगे, ए टेस्ट ट्यूब में हम फर्स्ट डालेंगे एक एंजाइम
दैट इज डीएनएस. ठीक है, ए टेस्ट ट्यूब में हम फर्स्ट डालेंगे बेटा डीएनएस प्रोटीन. अब ये डीएनएस प्रोटीन क्या करेगा, यू हैव स्टडीड दिस इन द यू नो बायोमोलिक्यूल्स 11th क्लास में आपने पढ़ा है. डीएनएस इज द एंजाइम विच डाइजेस्ट द डीएनए, डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा एंड सेपरेट कर देगा उसके यूनिट्स में. ठीक है, तो अब क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में जितना भी डीएनए है वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा. तो अब क्या बचा, बचा सिर्फ प्रोटीन. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले डीएनएस डाला, अब आर स्ट्रेन डालेंगे इसी टेस्ट ट्यूब में. लेकिन अब क्या हुआ, इस टेस्ट ट्यूब में तो डीएनए पूरा डिजेनरेट हो गया, बचा था सिर्फ प्रोटीन. अब जब मैंने आर स्ट्रेन डाला तो आर स्ट्रेन का क्या होगा, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगा, आर स्ट्रेन ही रही होगा, आर स्ट्रेन ही रहेगा. ठीक है, तो आर स्ट्रेन विल नॉट चेंज, आर स्ट्रेन जो है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, ये है ए में, ए टेस्ट ट्यूब में. अब बी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, सेम डीएनए प्रोटीन लिया था, तो यहाँ पे हम एक एंजाइम ऐड कर रहे हैं, वो है प्रोटीएज. ठीक है, ए में डीएनएस डाला था, बी में प्रोटीएज डालेंगे. अब प्रोटीएज जब डालेंगे तो सारा प्रोटीन जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा, है ना. डिजेनरेट का मतलब देखो बेटा, डिसइंटीग्रेट बोलो या फिर कुछ भी बिट्स में ब्रेक डाउन हो गया, वो इनएक्टिव हो गया, कुछ भी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो प्रोटीएज एंजाइम ने प्रोटीन का खलास कर दिया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आर स्ट्रेन डालेंगे. अब क्या होगा, आर स्ट्रेन जाएगा यस किल्ड के डीएनए में, एस ट्रे के डीएनए में. तो अब क्या होगा भाई, अब होगा एस स्ट्रेन का जो डीएनए है वो आर स्ट्रेन पे इन्फ्लुएंस करेगा, आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो जाएगा एस स्ट्रेन में. तो आर स्ट्रेन विल चेंज इनटू एस स्ट्रेन. तो इससे आपको क्या कंफर्म हो रहा है कि हाँ भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है एंजाइम्स कौन से यूज किए हैं डीएनएस में, डीएनएस यूज किया है ए टेस्ट ट्यूब में, प्रोटीएज यूज किया है बी टेस्ट ट्यूब में. तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने आर स्ट्रेन को ऐड किया है. ठीक है, तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन, और दिस इज ऑल अबाउट द मैक्लाउरिन मैकार्टी एक्सपेरिमेंट. ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता बेटा, पता नहीं क्यों, मुझे भी ना इसे समझाने में खुशी मिलती है, वो एकदम पीपीटी वो पढ़ो देखो समझाओ उसमें खुशी नहीं मिलती. तो अभी देखो ये समझ आ गया क्या आपको, इज दिस क्लियर, राइट, यस और नो? ओके गुड. तो अब देखो ये जो भी अब देख रहे हो ना टेबल, तो ये दिया है आपकी एनसीईआरटी में. ओके, एग्जैक्टली हाउ योर एनसीईआरटी हैज टेकन सॉरी गिवन सेंटेंसेस, उसी तरीके का मैंने यहाँ पे डायग्राम डाला है. ठीक है, पता नहीं मेरे पेन में क्या प्रॉब्लम होती रहती है. ओके, तो यहाँ पे देख लो बेटा हमने क्या किया था, हीट किल्ड एस सेल से हम लोगों ने सेपरेट कर लिया था. क्या सेपरेट कर लिया था, हमने ले लिया था प्रोटीन आरएनए और डीएनए. ठीक है, एस किल्ड से हम लोगों ने ले लिया था बेटा प्रोटीन आरएनए और डीएनए तीन टेस्ट ट्यूब्स में. इन इसके अलावा हमने लिपिड्स को रिमूव कर दिया था, हमको नहीं चाहिए, हमको पता है कि लिपिड बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता. कार्बोहाइड्रेट भी इन लोगों को पता था कि जेनेटिक मटेरियल हो नहीं सकता, तो इनका टेस्ट इन्होंने किया ही नहीं, कंफर्मेशन टेस्ट किनका किया, प्रोटीएज आरएनए सॉरी प्रोटीन आरएनए और डीएनए का किया. ठीक है, तो अब इन लोगों ने ले लिया था प्रोटीन आरएनए डीएनए सेम चीज बेटा. अब ये क्या करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे, तो प्रोटीन ही था, प्रोटीएज एंजाइम डालेगा तो कुछ बचा ही नहीं, है ना. सिमिलरली आरएनए था, ठीक है, आरएनएस डालोगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, है ना. तो अब आप क्या करोगे, जो आर अब जो आर सेल्स ऐड करोगे ना, अब जब आर सेल्स ऐड करोगे तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली आर से यस बनेगा. क्यों, डेफिनेटली आर से एस बनेगा. क्यों, क्योंकि इनके अंदर तो डीएनए भी है ना. देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ, ये जो टेस्ट ट्यूब्स है इनमें इन्होंने लिया है प्रोटीन आरएनए एंड डीएनए. ठीक है, ये तीनों चीजें तीनों ही टेस्ट ट्यूब में लिए हैं. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, प्रोटीन्स डाला और प्रोटीन को खल्लास कर लिया, लेकिन फिर भी डीएनए तो था. डीएनए ने क्या किया, आर सेल्स को एस सेल में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आ जाओ, आरएनए को आरएनएस ने डिस्ट्रॉय कर लिया, डीएनए बचा, तो फिर भी यहाँ पे चेंज हुआ. बट लास्ट थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, इसमें प्रोटीन भी है, ठीक है, इसमें आरएनए भी है, लेकिन डीएनए यहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया बाय डीएनएस एंजाइम. तो अब क्या होगा, आर सेल्स जो हैं वो आर सेल्स ही रहेंगे, एस सेल नहीं बनेंगे. इसका मतलब है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. तो यही सेम वर्डिंग्स में आपकी एनसीईआरटी में दिया है. ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ऐसे दिया है. ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको समझ में आ जाए.
तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ये एक्सपेरिमेंट अभी क्लियर है. सो दे कंक्लूडेड, दिस थ्री पीपल कंक्लूडेड दैट डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड. मैं बताया ना, कुछ होते हैं कि जिनको कभी भी यू नो संतृप्ति नहीं होती क्या किया जाए. At that time, they believed that the DNA was just a chain of four repeating nucleotides. बताया ना, A, G, T, C. तो इन्हीं का nucleotide का chain है भाई, इसमें क्या complexity है, इसमें क्या इतना मतलब वो है, कुछ नहीं है, ये बेकार है, मतलब वो समझते थे ऐसे. On other hand, protein को मतलब समझते थे कि हाँ भाई ये है तीसमार खान. ओके, प्रोटीन को बड़ा समझते थे, न्यूक्लियोटाइड्स को और क्या कहते हैं न्यूक्लिक एसिड को कम समझते थे. ओके, सो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज द प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड. कुछ लोगों ने ऐसा समझा कि हाँ भाई मैं मानता हूँ, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड होगा डीएनए, लेकिन वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए प्रोटीन. आपने देखा भी ना बेटा न्यूक्लियोसोम मॉडल में, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम हम इसको बुलाते हैं जिसमें हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है प्लस डीएनए है, इसी को हम बुलाते हैं न्यूक्लियोसोम, है ना, न्यूक्लियोसोम मॉडल इसी को बुलाते हैं. तो कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि हाँ देखो डीएनए के साथ प्रोटीन तो मिला हुआ है लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, कुछ लोगों ने ऐसा बताया, ठीक है. एंड सम वर सेइंग दैट हाँ भाई इन लोगों को प्यूरिफाई ही करना नहीं आया पाक से डीएनए, मतलब ठीक से डीएनए और प्रोटीन को प्यूरिफाई नहीं करना आया, तो वहां पे कुछ मिक्सअप हो गया होगा डीएनए और यू नो प्रोटीन में, तो ये रिजल्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं है उनके हिसाब से, ठीक है. तो ऐसा कुछ हुआ था वहां पे, तो इन चीजों की वजह से इसका जो एक्सपेरिमेंट है एवरी मैकलॉड मैकार्टी, इन्होंने सारे तो प्रूव कर लिया लेकिन प्रोटीन और डीएनए में फर्क रह गया था, ठीक है, प्रोटीन एंड डीएनए में फर्क रह गया था. जो वो कसर थी वो पूरी हुई हर्षी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में, ठीक है. सो बिफोर गोइंग इनटू हर्षी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ बैक्टीरियोफेज के बारे में. ओके, सो व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज वर्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स, बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, फेज मीन्स होता है एनगल्फ या फिर किलिंग. येलो कलर ले लिया क्या मैंने, ठीक है. तो बैक्टीरिया तो देखो बेटा बैक्टीरिया है, वेयर एज फेज मीन्स व्हाट, किलिंग और एनगल्फिंग, निंगल जाना, एनगल्फिंग या फिर फेजिंग, फेज मतलब खा लेना या फिर कुछ भी डिस्ट्रॉय कर देना, तो सारे वर्ड्स इस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ वायरस, बैक्टीरियोफेज जो है वो एक वायरस है जो बैक्टीरिया को होस्ट बना के अपना जिंदगी काटता है, ठीक है. तो यहाँ पे देख लो, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसका हेड है, ठीक है, दिस इज कैप्सिड, अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड. बेटा ये सब हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये सब मैंने मतलब आपने पढ़ा होगा अपने 11th में, ठीक है. तो ये हो गया कॉलर, ठीक है, ये हो गया शीथ, दिस इज बेस प्लेट स्पाइक एंड टेल फाइबर, दिस इज अ स्ट्रक्चर. नाउ इस फोटो में देखो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज ऐसे बैठते हैं और दे सेंड देयर डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे होता है. सो सी दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू डू. अब देखो ये जो वॉल है ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, समझ लो, ठीक है, होस्ट सेल का सेल वॉल. होस्ट सेल कौन है? होस्ट सेल है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया भाई है हमारे होस्ट सेल, ठीक है. तो इसका सेल वॉल जो है इसके ऊपर बैठा हुआ है बैक्टीरियोफेज, और ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करेगा, अपना जो ये बेस प्लेट है ना ये ऊपर की तरफ पुश करेगा और ये जो टेल ट्यूब है इसको अंदर डालेगा, सो दैट कि बैक्टीरियोफेज का जो अंदर का डीएनए है वो चले जाए होस्ट डीएनए के अंदर, जस्ट लाइक अ पुशिंग, जैसे इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं ना, सिमिलरली उसी तरीके से, ठीक है. अभी होस्ट सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए आ गया, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टेल निकली, टेल ट्यूब यहाँ पे थोड़ा लंबा हुआ, यहाँ पे हुआ और यहाँ पे शिफ्ट कर लिया. ओके, सो दिस इज हाउ बैक्टीरियोफेज विल इंसर्ट. तो अब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को दो टाइप के साइकिल्स में मारता है, ठीक है. वन इज कॉल्ड एज लाइटिक साइकिल. ये पूछ सकता है, एक्चुअली जो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल है 11th के सिलेबस में आता है, ठीक है. तो पता नहीं आपके मैं आपको जिन्होंने भी पढ़ाया था इसके बारे में बताया है या नहीं, तो आप देख लो यहाँ पे, ठीक है. तो लाइटिक साइकिल, सो व्हाट हैपेंड इन द लाइटिक साइकिल, बैक्टीरियोफेज सिट्स ऑन द होस्ट दैट इज बैक्टीरियल सेल. तो यहाँ पे क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज विल सेंड इट्स फेज डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया. तो अब क्या करेगा, ये जो डीएनए है, ओके, बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, वो सारा जो मशीनरी है वो बनाएगा बैक्टीरिया के अंदर बाय यूटिलाइजिंग ऑल द मटेरियल्स.
बैक्टीरिया के अंदर जितना न्यूट्रिशन था, जितना भी कुछ था, उसको यूज किया और उसने बायोसिंथेसिस किया अपना ही मशीनरी. जैसे यहाँ पे देखो, प्रोटीन कोट बना लिया, डीएनए को रेप्लीकेट किया, ठीक है, तो प्रोटीन बना लिया, रेप्लीकेट कर लिया. आप क्या करेंगे, उसको असेंबलेज, ठीक है, असेंबल करेंगे, उसको हम बुलाते हैं मैच्यूरेशन. ठीक है, तो न्यू फेज पार्टिकल्स और असेंबल, जो नए फेज पार्टिकल्स बने थे, मतलब जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन, उसको असेंबल करते हैं. एट लास्ट व्हाट हैपन, दे विल लाइस और ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड दे विल गो आउट. ठीक है, ये कैसे होता है मैं बताऊं. मौका देखता रहता है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे कब हमला करूं. जब बैक्टीरिया वल्नरेबल होता है तभी बैक्टीरियोफेज हमला करता है, जल्द से जल्द अपना मशीनरी बनाता है और मल्टीप्लाई करके निकल जाता है. ये होता है लाइटिक साइकिल. ठीक है, एकदम से हल्ला बोल, सारे बैक्टीरिया हल्ला बोलते हैं, मार के निकल जाते हैं. बट लाइसोजेनिक साइकिल ऐसा नहीं है. अनदर टाइप इज लाइसोजेनिक साइकिल. ठीक है, इसको हम बुलाते हैं बेटा लाइसोजेनिक साइकिल. तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या है, बैक्टीरियोफेज ना मेहमान बन के आता है, मेहमान बन के आता है बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया भी बेचारा समझता है कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, और उसको अपने घर में पना दे देता है. ठीक है, तो यहाँ पे आया फेज डीएनए, तो फेज ने इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरिया को. अब क्या कर लिया, दोस्ती में रह रहा है फेज डीएनए, यू नो, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ. ठीक है, तो इसको बुलाते हैं लाइसोजन. इस टाइप के बैक्टीरिया को बेटा ये वर्ड याद रखो, लाइसोजन. ओके, तो जो बैक्टीरिया के अंदर जिसका जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ बैक्टीरियोफेज का अगर जेनेटिक मटेरियल मिला हो, उस टाइप के बैक्टीरिया को हम कहते हैं लाइसोजन. ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता जाएगा वैसे वैसे ये भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, फेज का डीएनए भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम बुलाते हैं प्रोफेज डीएनए. ठीक है, इसको अभी हम बुलाते हैं प्रोफेज डीएनए. क्यों, अभी फेजिंग स्टार्ट नहीं किया है. फेजिंग मीन्स व्हाट, किलिंग. अभी किलिंग स्टार्ट नहीं किया है, किलिंग का प्रिमिटिव फेज है प्रोफेज डीएनए. ठीक है, तो ये सारे अपने डॉटर सेल्स में पास ऑन हो रहा है जैसे बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है. तो अब आया मौका, अब ये दोस्ती में है हमारा फेज डीएनए, प्रोफेज डीएनए. अब ये देखता है कि हाँ भाई बैक्टीरिया बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, अब मौका है, अब छुरी भोंको पीठ पे. ठीक है, बैक स्टैप करो. अब क्या करता है, जो भरोसे से जी रहे थे बैक्टीरिया और फेज डीएनए साथ में, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन प्रोफेज डीएनए इज एक्साइज्ड, वो बाहर आ जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से और लाइटिक साइकिल पे एंटर हो जाता है. जैसे हल्ला बोल, लाइटिक साइकिल वाज हल्ला बोल, लाइसोजेनिक वाज चोरों की तरह दोस्ती में रहो. ठीक है, दोस्ती में रहो लेकिन अंदर की इंटेंशंस दिखाओ मत, ऐसे. तो अब ये लाइटिक साइकिल में हो जाएगा. तो सिमिलरली जैसे लाइटिक साइकिल में होगा वो सेम चीजें यहाँ पे हो जाएंगी. ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जितना भी उसका मटेरियल है यूज करके ये अपने पार्ट्स बिल्डअप करेगा. जैसे डीएनए रेप्लिकेट होगा, क्योर करेगा और असेंबल होगा. एट लास्ट ये क्या करेंगे, सेल को लाइस करके, बैक्टीरियल सेल को लाइस मतलब कटिंग डाउन, रिलीज करेंगे न्यूली मेड फेजेस. ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज साइकल्स विच यू नीड टू रिमेंबर. कई बार ये नीट में पूछ लेता है. ठीक है, मैं देखी हूँ ये क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने आपको बताना सही समझा तो बता लिया. ठीक है, सो अगर ये आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ जाओगे. तो हर्शी एंड चेज आर टू साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेजेस. तो इन दोनों महापुरुषों ने बैक्टीरियोफेज पे काम किया. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दे हैव डन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस. तो क्या होता है ट्रांसडक्शन, द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेल बाय वायरस. अगर आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, 11th क्लास का सिलेबस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया. तो वहां पे क्या होता है, आप देखते हो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन. वही ट्रांसडक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसी ट्रांसडक्शन के बेसिस पे ये कर रहे हैं हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, दैट इज अनदर नेम इज ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ दे ग्रीव, अभी ये दोनों क्या करेंगे महापुरुष, दे विल ग्रो सम वायरसेस ऑन मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडिया पे कुछ वायरस ग्रो करेंगे और कुछ वायरस ग्रो करेंगे रेडियो एक्टिव सल्फर पे. दोनों ही मीडियम में, थोड़े वहां पे वायरस, थोड़े यहाँ पे वायरस, वायरसेस बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया. वायरसेस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है, जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था उनके जो वायरस हैं, ठीक है, तो दे कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन. समझ आ रही है ये बात. तो क्या हुआ बेटा, वायरसेस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में है, ठीक है,
तो उन वायरसेस का जो डीएनए है वो बन रहा है रेडियो एक्टिव, बट प्रोटीन इफेक्ट नहीं कर रहा, प्रोटीन का कुछ इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्यों ऐसे होता है? इसलिए होता है बेटा क्योंकि डीएनए में होता है फॉस्फेट। आई हैव टोल्ड यू राइट, बैकबोन, ठीक है। आपके अब डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर देखो तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। तो उसके इंटरनल साइड में होता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस, बेस पेयर्स अरेंजमेंट होता है। तो क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, किसके पास? वायरस के डीएनए के पास या फिर आरएनए के पास, उसके पास जो है फॉस्फेट है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो बन जा रहा है रेडियो एक्टिव। तो अनदर प्लेट में क्या हो रहा है, वायरसेस दैट ग्रोन इन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन अदर साइड आप यहाँ पे देख लो, जो प्लेट में रेडियो एक्टिव सल्फर था उसमें जो वायरसेस ग्रो हो रहे हैं उनमें रेडियो एक्टिव हो रहा है प्रोटीन बट डीएनए नहीं। क्यों हो रहा है? देखो बेटा, आपको पता है बहुत सारे प्रोटीन्स में सल्फर कंटेंट होता है, एंड दिस इज योर होमवर्क। आप मुझे कल आके बताना, जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, आपके जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, उन 20 अमीनो एसिड्स में कौन से अमीनो एसिड्स में सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है, ठीक है? तो वो आप मुझे बताना कल, ठीक है। तो कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फर है और वो जो सल्फर है यहाँ पे दिखता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया ना बेटा, ये है इंसुलिन का स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये है इंसुलिन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ए चेन बी चेन, तो यहाँ पे आप देख लो जैसे सल्फर होता है, तो इसी तरीके से हमारे वायरस में भी क्या होगा, जो प्रोटीन कोट है ओके, उसके अंदर भी सल्फर होगा। तो इसके वजह से जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन है वो अब्सॉर्ब कर लेता है रेडियो एक्टिव सल्फर को। ये चीज क्लियर हो गई सबको? ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, वेरी गुड क्लास 12, मिथियोनिन एंड सिस्टीन, वेरी गुड वेरी गुड, यस। चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, आगे चलते हैं। तो हमने ले लिया, इसको ए बना लो, इसको बी बना लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो प्रोटीन कोट फेजेस ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड उसमें होता है सल्फर, ठीक है, याद रखो बेटा, प्रोटीन सल्फर, प्रोटीन सल्फर, ठीक है। अब क्या होगा, जो प्रोटीन है उसमें सल्फर रेडियो एक्टिव है, अब ये क्या करेगा, अपने डीएनए अंदर डालेगा, लेकिन डीएनए में तो बैगन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है डीएनए में। तो जो भी रेडियो एक्टिविटी थी वो तो प्रोटीन कोट में रह गई भाई, वो तो प्रोटीन कोट में रह गई। तो क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल एकदम प्योर है, एकदम पवित्र है, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नो रेडियो एक्टिविटी एंटर्स इनसाइड द सेल। वही बी में आप देख लो बेटा, डीएनए ऑफ फेजेस इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, ठीक है। तो जहां पे फॉस्फरस वहां पे डीएनए, तो डीएनए जो है रेडियो वायरस का उसमें जो फॉस्फरस है वो लेबल हो रहा है, ठीक है, फॉस्फरस डीएनए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो बैक्टीरियोफेज के डीएनए है उसमें रेडियो लेबल्ड फॉस्फरस है, जब ये इंजेक्ट करेगा अंदर, ओके, फेज इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, तो जो डीएनए जाएगा उसके साथ रेडियो एक्टिविटी भी एंटर कर जाएगी, ठीक है। ये हो गया ऑलराउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इसमें स्टेप्स हैं कुछ, वो क्या स्टेप्स हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, कंसिडर करो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो यहाँ पे क्या किया बेटा हमने, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड है और यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। दोनों को हमने अलो किया इन्फेक्शन करने को, तो दोनों ने इन्फेक्शन किया, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मिक्सिंग, ओके, मिक्स करने को ब्लेंड करना कहते हैं, ठीक है। जब हम ब्लेंड करेंगे तो क्या होगा, जो ये लाइट वेटेड प्रोटीन है वो अलग हो जाएगा बैक्टीरिया से और डीएनए अंदर होगा, ठीक है। ब्लेंडिंग करने के बाद हम हाई स्पीड में रोटेशन करवाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे इन द सेंट्रीफ्यूज। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, मैंने बताया ना, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको मिलता है लाइट डेंस सुपरनेटेंट एंड हेविली डेंस और हेविली वेट पेलेट, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, 1 में क्या हो रहा है, नो रेडियो एक्टिव इज डिटेक्टेड इन द सेल, ठीक है, आपको डिटेक्ट नहीं हुआ सेल में लेकिन प्रोटीन में था। तो इस केस में आपको कहाँ पे मिला, ओके, इन दिस केस वेयर डू यू फाइंड द रेडियो एक्टिविटी, सुपरनेटेंट और पेलेट, बताओ, सुपरनेटेंट और पेलेट, इन 1 केस सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन दैट इज सल्फर, ठीक है, दैट इज सुपरनेटेंट, तो वो लाइट है।
ठीक है, रेडियो एक्टिव इज सीन इन सुपर नेटेंट, नो रेडियो एक्टिविटी इन द पेलेट, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट होगा, यहाँ पे उसका ऑपोजिट होगा, पेलेट में आपको दिखेगी रेडियो एक्टिविटी, मेरा सुपर नेटेंट में कुछ नहीं। क्यों यहाँ पे आपको पेलेट में रेडियो एक्टिविटी दिखती है? क्योंकि थोड़ा जो है वो डीएनए डेंस होता है, तो पेलेट जो है वो जो डीएनए है वो पेलेट में जाके सेटल हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। मैंने आपको ये पेलेट और सुपर नेटेंट का इसलिए बताया क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इवन दो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नो डिस्क्रिप्शन इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है। क्या क्या नहीं दिया है? पेलेट, सेंट्रीफ्यूज, सुपर नेटेंट, लेकिन पूछा गया है। आप निकाल के देखो 2012 का या फिर 13 का क्वेश्चन पेपर, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस टाइप का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने दी है, आप अगर ये पीपीटी देख लोगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज, प्रोटीन कोट लेबल्ड, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड, नो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे फेज डीएनए, बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड, रेडियो एक्टिविटी एंटर्स, ठीक है। तो क्या कंक्लूड कर लिया हमने? प्रोटीन्स आर नॉट जेनेटिक मटीरियल, यहाँ पे कंक्लूजन किया डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी इन द पेलेट, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी इन द सुपर नेटेंट, क्लियर। ये एक्सपेरिमेंट क्या सबको क्लियर है? हर्षी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? यस बच्चों, से यस और नो। ओके हिमांशी, अदर्स? ओके, क्लास 12 ने तो क्लास ही छोड़ दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद बोरिंग होगी उनको क्लास। ओके, सो व्हाट इज द रिजल्ट हियर? द बैक्टीरिया विच वाज ट्रांसफेक्टेड, ओके, ये वर्ड का मतलब देखो बेटा, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, इन्फेक्टेड, ओके, ट्रांसफर्ड इन्फेक्टेड, तो उसको मिला के वर्ड बनाया है ट्रांस इन्फेक्टेड, ठीक है। तो ट्रांसफर की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ओके। द बैक्टीरिया विच वॉज ट्रांस इन्फेक्टेड विथ रेडियो एक्टिव डीएनए वायरसेस वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट द डीएनए वॉज जेनेटिक मटीरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरसेस टू द बैक्टीरिया, ठीक है। हाउएवर बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विथ वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है, चलो हो गया। नाउ दिस शोड दैट द प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, इट वॉज प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल। हो गया भाई, इतना समझ लो तो काफी है। ओके, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दिस इज एक्चुअली पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है ये, ओके। सो फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटीरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, ओके। तो कौन से एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकते हो कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल? वेरी गुड हिमांशी, ए इज द ऑप्शन। हर्षी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में हमको पता चला कि हाँ भाई, प्रोटीन या डीएनए में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, वो है डीएनए, ठीक है। इन्होंने भी बताया था, इन तीन लोगों ने भी, बट बहुत सारे लोग कन्विंस्ड नहीं थे, बता रहे थे कि हाँ भाई, प्रोटीन और डीएनए में कुछ लोचा है, ठीक है। तो वो हो गया, अब हम आगे चलेंगे। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अब हम बता रहे थे कि हाँ भाई, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ केसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। जब हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए जो जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक है, जैसा वो है उसका नेक्स्ट जनरेशन बना सके, रेप्लिकेशन हो जाए, ठीक है, दैट इज वन। प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर एवोल्यूशन, देखिए बेटा, इन द यू नो एनवायरमेंट म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप म्यूटेशंस को हमेशा गलत मत समझो, मैंने बताया था ना, साइलेंट म्यूटेशंस होते हैं, कई बार वो अच्छा काम कर जाते हैं, दे विल मेक द एवोल्यूशन। जब एवोल्यूशन में वेरिएशन होता है तो वही तो एवोल्यूशन बनता है। सो वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल विल गिव आउट द एवोल्यूशन, ओके। सो केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, जेनेटिक मटेरियल में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, ओके। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स, हाँ भाई, मेंडल ने कितना कुछ बताया, फैक्टर्स बताया, लॉज दिया, क्रोमोसोम का बताया, अलील का बताया, वो सारे इसमें वो एक्सप्रेस होने चाहिए इन जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए में, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। नाउ सो रीजंस फॉर स्टेबिलिटी यू नो इन डीएनए, स्टेबिलिटी ज्यादा है डीएनए में, लेस रिएक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इसके अंदर थाइमिन प्रेजेंट है और एब्सेंस ऑफ OH ग्रुप इन द सेकेंड कार्बन ऑफ द शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, यहाँ पे डीएनए, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वो OH नहीं है, H है। इफ डीएनए इज अनस्टेबल देन व्हाट हैपन मैम? देन मेनी थिंग्स विल हैपन हिमांशी, बहुत सारा मुश्किल हो जाएगा, म्यूटेशन होता रहेगा
और लोग इतना जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हो जाएंगे कि वो एकदम अनस्टेबल है बेटा, इट विल नॉट बी बैलेंस्ड एट ऑल। आप एनवायरमेंट में देखो कि एकदम अनस्टेबल है, नॉर्मल बंदों से ज्यादा तो मैं क्या कहते हैं डिसऑर्डर वाले बंदे फिरेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर वाले। एंड इतना वैरायटी आपको देखने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो डीएनए अगर अनस्टेबल है तो बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं होगा, ये दुनिया ही बैलेंस्ड नहीं होगी और कोई भी ऑर्गेनिजम्स बैलेंस नहीं रहेंगे। कुछ अजीब अजीब बीमारियां आ जाएंगी या फिर कुछ अजीब अजीब चीजें हो जाएंगी जो नेचर के खिलाफ हैं। तो नेचर के साथ बैलेंस करने के लिए डीएनए स्टेबल रहता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीजंस दिए हैं स्टेबिलिटी के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वी एज एन ऑर्गेनिजम्स, हम एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करके चलें और स्टेबल रहें, ठीक है। नाउ रीजंस फॉर इम्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी दैट मींस हाई रिएक्टिविटी ऑफ आरएनए। आप एग्जांपल ले लो बेटा हिमांशी, आरएनए का। अब आरएनए क्या होता है, आरएनए इज वेरी हाई रिएक्टिव। ये इतना हाई रिएक्टिव है, ये मतलब अब देख लो एड्स है, ठीक है, एड्स है। तो इसका हमारे पास डिसीज का क्या है बेटा, हमारे पास नहीं है, ट्रीटमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, इसके रिएक्टिविटी के वजह से ये स्ट्रक्चर चेंज करता है। हमने कुछ स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से हमने बनाया उसका मेडिसिन या ट्रीटमेंट, मेडिसिन ट्रीटमेंट अभी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसका स्ट्रक्चर ही बदल गया समझो, तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए जो वायरल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो वायरल डिसीजेस होते हैं, वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं और हार्मफुल होते हैं बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन आरएनए। अगर ये डीएनए में हो गया तो मैं बता रही हूँ बेटा, आप सर्वनाश समझ लो, कलयुग, घोर कलयुग हो जाएगा, ठीक है। तो शायद कलयुग में हो जाए, पता नहीं, बट नहीं होना चाहिए, बैलेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, नाउ दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन है, एंड प्रेजेंस ऑफ यूरासिल, यूरासिल बहुत रिएक्टिव है कंपेयर टू थायमिन, और प्रेजेंस ऑफ ओएच ग्रुप। यहाँ पे देखो राइबोस में सेकेंड कार्बन एटम ऑफ शुगर में ओएच होता है, इसके वजह से हाईली रिएक्टिव है, ठीक है बेटा। इन पॉइंट्स में आप एनसीईआरटी तक पढ़ लो तो ही काफी है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस डिटेल में आएंगे, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, लैक ओपेरॉन में, ठीक है, वही जेनेटिक एक्सप्रेशन वहां पे आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे कल के क्लासेस में, वो स्टार्ट करेंगे। रेप्लिकेशन में एंजाइम्स, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें तो आई हुई, आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो काफी है। दस आरएनए इज अनस्टेबल, आरएनए वायरस म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, मैंने बताया ना, ये इवोल्यूशन भी जल्दी कर देते हैं, म्यूटेशन भी जल्दी होते हैं, इसीलिए इनके खिलाफ कुछ भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑन हीटिंग द सेपरेट, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, होप यू नो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे मैंने एक डीएनए स्ट्रैंड लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ए है, टी है, सी, जी, ओके, ए टी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, सी, टी, ए, ठीक है। यहाँ पे फाइव प्राइम है तो यहाँ पे थ्री प्राइम होगा, यहाँ पे थ्री प्राइम होगा तो यहाँ पे फाइव प्राइम होगा, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। ओके, तो अब इसको हम हीट करेंगे, इस डीएनए को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ए और टी के बीच में दो, और सी और जी के बीच में जो तीन है, वो सेपरेट हो जाएंगे। एंड हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, इन अप्रोप्रिएट कंडीशंस दे कम टुगेदर, जब कंडीशंस बैलेंस हो जाएंगे, मतलब हीट नहीं है या कुछ भी अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो वो दे'ल कम बैक अगेन। ओके, सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सम प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया डिड नॉट डिस्ट्रॉय, दैट इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। हम लोग इतना बोल रहे थे कि हाँ भाई, जो स्ट्रेन है वो कुछ ट्रांसफर कर रहा है आर स्ट्रेन में, वो क्या ट्रांसफर कर रहा था, वो डीएनए था। इतना हीट किल्ड करने के बाद भी डीएनए मरा क्यों नहीं, डीएनए डीजनरेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतनी स्टेबिलिटी है बेटा उसमें, स्टेबिलिटी की वजह से डीएनए फिर जब अप्रोप्रिएट कंडीशंस आए, वो जब डीएनए बन गया और आरएनए स्ट्रेन के अंदर घुस गया, और आरएनए आर सॉरी आरएनए बता रही हूँ, आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल के अंदर जब स्टोरेज की बात करते हैं तो डीएनए इज बेटर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। देखो बेटा, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल में स्टोरेज होती है, ठीक है, मैं बता रही हूँ ना, उसमें ज्यादा स्टोरेज होती है डीएनए में। क्यों? तो डीएनए में इतना इंफॉर्मेशन होता है ना, ही फिनोटाइप को एक्सप्रेस होना होता है, तो वो जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन होते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन होता है, वो स्टोर होता है डीएनए में। तो
डीएनए का काम क्या है, स्टोरिंग दैट कोडेड इंफॉर्मेशन. और ये नॉर्मली ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो होता है कोडेड टाइप में, कोडेड में. जैसे आपने मूवीज देखे होंगे, ठीक है, कुछ भी कोई एक्शन मूवी हो रहा है तो वहां पे एक कोडेड सिस्टम होता है, ठीक है. तो उस कोड को अनकोड करके हम लोगों को जो भी मिस्ट्री है वो सॉल्व करनी होती है. तो उसी तरीके से डीएनए भी जो इंफॉर्मेशन रखता है वो कोडेड इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है. और ये होता है स्टेबिलिटी की वजह से. बट आरएनए में देखो बेटा, आरएनए इज मेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जब हम लोगों को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है या ट्रांसमिट करना है या फिर शेयर करना है, तो उस टाइम पे आरएनए बेटर है. इसीलिए आप देखोगे बेटा, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन के एक्सप्रेस नहीं होता कैरेक्टर, डीएनए से आरएनए बनता है. आरएनए ट्रांसमिट बेटर करता है इन्फॉर्मेशन को देन डीएनए, एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है, वही प्रोटीन फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होता है, ठीक है. तो वही चीज यहाँ पे मैंने दिखाई है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन. इसको ही बेटा हम बुलाते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ. सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ इसको कहते हैं. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, बताया ना, आरएनए डायरेक्टली कोड करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, हेंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स. नाउ डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अगर समझो बेटा, हम लोग हैं, हमारे अंदर डीएनए तो है, जेनेटिक मेटेरियल तो है. अगर समझो आरएनए नहीं होता तो कितना मुश्किल होता बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होता, प्रोटीन्स नहीं बनते, हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं बनता, पता नहीं कितना कितना मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हम लोगों को. तो वी मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, वो हमेशा आरएनए के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है. नाउ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है. तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, मैंने बताया ना, सारे ही ऑर्गेनिजम्स में होता है. इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस, ठीक है. आपको ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा होता है बेटा साइटोप्लाज्म में. आरएनए ज्यादा अमाउंट में होता है साइटोप्लाज्म में कंपेयर टू न्यूक्लियस, ओके. शुगर इन आरएनए इज राइबोस शुगर, हमको पता है. फॉस्फोरिक एसिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेजेंट इन डीएनए, जो डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फेट ग्रुप है, उसी तरीके से सिमिलैरिटी है आरएनए में, ठीक है. तो इसमें प्यूरिन बेसिस कौन से हैं, ए जी, पिरिमिडिन है, साइटोसिन एंड यूरासिल. तो यहाँ पे सिर्फ एक है, थाइमिन होता है डीएनए में, यूरासिल होता है आरएनए में, ठीक है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल, आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आरएनए बेटा फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल था, क्यों था, बिकॉज सिंप्लिसिटी, इसमें सिंप्लिसिटी थी और हाईली रिएक्टिव था. ये बार बार म्यूटेशन होता एवोल्यूट करता, बार बार म्यूटेशन होता एवोल्यूट करता. तो जो डीएनए बना है वो आरएनए से ही बना है, पहले आरएनए ही था जेनेटिक मटीरियल, जो मतलब लाइफ जब स्टार्ट हुआ, जब आप एवोल्यूशन पढ़ते हो तो आरएनए से डीएनए बना है, ठीक है. तो आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑर्गेनिजम्स एंड इन सम इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, ठीक है. तो हमारे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं, ओके. तो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग आर एवॉल्व अराउंड आरएनए. मैंने बताया ना, अगर हमारे बॉडी में आरएनए नहीं रहा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बहुत सारे चीजें नहीं हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है. तो आरएनए का होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेट करता है, ठीक है, ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. नाउ डीएनए एवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है. आरएनए में स्टेबिलिटी नहीं थी, आरएनए से डीएनए बना, स्टेबल था तो डीएनए रुक गया नेचर में, ठीक है. आरएनए स्टेबल नहीं था तो इसलिए बार बार म्यूटेट हो रहा था, बट डीएनए आरएनए से बना बट इट वॉज स्टेबल, हेंस टिल टुडे हमारा जो डीएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो स्टेबल है और कई बिलियन साल तक भी डीएनए स्टेबिलिटी रहेगा और वो जेनेटिक मटेरियल में दिखाएगा. पता नहीं शायद कुछ बिलियन ईयर्स के बाद, पता नहीं, कुछ म्यूटेशन हो के कुछ एवोल्यूशन हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वी डोंट नो, ओके. सो कमिंग टू टाइप्स ऑफ आरएनए, ओके. सो आरएनए इज जनरली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एज आई हैव टोल्ड यू, बट इन सम वायरस इट सर्व्स एज जेनेटिक मटेरियल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, वन इज जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है. जिन ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है उसको हम बुलाते हैं जेनेटिक आरएनए.
जिन ऑर्गेनिजम्स में आरएनए नॉन जेनेटिक रिएक्ट करता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल नहीं है लेकिन कुछ और कामों में मुवल्लिस है, ठीक है, मतलब कुछ भी और कामों में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसको हम बुलाते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। तो हमारी जो बॉडी है बेटा, ओके, इन आवर बॉडी, ओके, आप देखोगे मैसेंजर और टीआरएनए का बहुत काम है, ठीक है। जो आरआरएनए होता है वो यूजुअली मतलब जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उसमें ज्यादा काम करता है, मतलब होता तो सब में ही है बट ज्यादा काम वहां पे करता है। तो लेट्स सी, मैसेंजर आरएनए इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। मैंने बताया ना डीएनए में कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है, और ये जो एमआरएनए है वो कोडेड इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके लाता है, ठीक है, कॉपी करके लेके आता है, वो भी अनकोड करके, उसको अनकोड करके मिस्ट्री सॉल्व करके कॉपी करके लेके आता है एमआरएनए, ठीक है। देन ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए इज नोन एज सॉल्यूबल आरएनए। इसमें जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैरी करते हैं अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये ट्रांसलेशन में आप देखोगे बेटा, ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ये ट्रांसलेशन का सेंटेंस है, यू विल सी दैट इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो 10-15% आपके टोटल सेल आरएनए में होता है। नाउ कमिंग टू राइबोसोमल आरएनए, इट इज द मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए फाउंड एसोसिएटेड विद राइबोसोम। इट फॉर्म्स अबाउट 80% ऑफ टोटल सेल आरएनए, मतलब आप देख लो, मतलब 80% ऑफ आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। और उसके नेक्स्ट आता है टीआरएनए, उसके नेक्स्ट आता है एमआरएनए। कौन सा ज्यादा है? राइबोसोमल, नेक्स्ट ट्रांसफर, देन मैसेंजर। ओके, कमिंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसका डिफरेंसेस देखते हैं। डीएनए इट यूजुअली अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड सम सेल ऑर्गेनल्स। कैन एनीबॉडी टेल मी इन विच सेल ऑर्गेनल्स डू यू फाइंड डीएनए? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। इन विच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनल, ओके, कि कौन से सेल के ऑर्गेनल्स में आप जेनेटिक मटेरियल देखते हो? इनसाइड सेल ऑर्गेनलीज आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ वो तो है बेटा हिमांशी, दैट इज ट्रू। सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है। आई एम टॉकिंग अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, एक सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तो है। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनलीज यू विल फाइंड डीएनए? यस, नो नो हिमांशी, देखिए दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो आई विल टेल यू वन आंसर, आपको दो आंसर्स लेके आने हैं, ओके, यू हैव टू ब्रिंग टू आंसर्स। वन आई विल टेल, ओके, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सो इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट्स। मैंने ही बोल दिया, आप क्या करें, आई हैव यू नो सॉल्व द मिस्ट्री। सो इन द सेल ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे हैव देयर ओन डीएनए। ऑल्दो बेटा वो जो डीएनए है वो नॉन फंक्शनल है, मतलब क्या बताऊँ, इसके जितना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी ही एक खुद की हिस्ट्री है, वो आप देखोगे, वो जाके आप पढ़ो बेटा, यू स्टडी अबाउट दिस, ओके, गो टू लाइब्रेरी, लुक इन टू द सर्च इन टू द बुक्स एंड सर्च व्हाई डज सेल ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए। उनका ओन डीएनए है वो, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, वो बिल्कुल पूरा मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, बट ये तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं कर रहा है, इनका काम ही दूसरा है, ठीक है। वो आप देखो, यू स्टडी अबाउट इट एंड टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल आस्क यू, डेफिनेटली आई विल आस्क यू, ठीक है। तो ये एक चीज आपको मैंने बताना था। नाउ आरएनए, वेरी लिटिल आरएनए अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया ना, ये चीज आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई, न्यूक्लियस के अंदर बहुत कम आरएनए होता है, मोस्ट ऑफ द आरएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। आरएनए जो बहुत होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ओके, आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट इन सम ऑफ द वायरसेस, ठीक है, कुछ सर्टेन वायरसेस में छोड़ के यूजली जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं रहता, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है रियो वायरस, ठीक है, रियो वायरस का आप एग्जाम्पल ले लो। नाउ
इट इज डबल स्ट्रैंडेड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस. ठीक है, यूजुअली आप जो देखते हो ना बेटा, डबल स्ट्रैंडेड होता है आपका डीएनए विद द डीएनए हेलिक्स विद राइट हैंडेड फोल्डिंग फैशन. ओके, तो राइट हैंड हेलिक्स बोलते हैं उसको, राइट हैंडेड हेलिक्स. नाउ आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सेप्ट इन सर्टेन वायरसेस विच हैव डबल स्ट्रैंडेड रियो वायरस. ओके, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड भी होता है. देखो बेटा, आपको याद रखना होता है, सारे ही डीएनए स्टेबल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है. ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, और आरएनए जो है वो यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, जो वायरसेस है ना बेटा, ये वायरसेस जो है वो बहुत ही खतरे खिलाड़ी प्लेयर्स हैं. ठीक है, उनको पता होता है कि किसको कैसे हराया जाए. ठीक है, तो उसके हिसाब से वो चलते हैं. क्लियर? नाउ इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड यहाँ पे इट कंटेन्स राइबोस शुगर, आरएनए. नाउ नाइट्रोजन बेस इज थायमिन दैट अकर्स इन डीएनए, एंड थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए. ठीक है, नाउ इट रेप्लिकेट्स टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ यू नो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स. डीएनए ट्रांसक्राइब्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू आरएनए. ठीक है, मैंने बताया ना, ये ट्रांसक्राइब करता है, जिस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए होता है, दैट इज ट्रांसक्राइबिंग या फिर कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए. बट ऐसा कुछ नहीं होता आरएनए में. ओके, इट कैन नॉट नॉर्मली रेप्लीकेट इटसेल्फ. तो आरएनए ट्रांसलेट करता है उस ट्रांसक्राइब्ड मैसेज को टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड दैट इज नथिंग बट प्रोटीन. ठीक है, तो डीएनए से आरएनए तक आया जो कॉपी हुआ कोडेड इंफॉर्मेशन. अब जो कोडेड इंफॉर्मेशन है उसको वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता, उसको ट्रांसलेट करता है एक दूसरी लैंग्वेज में. वो लैंग्वेज कौन सी है? वो प्रोटीन की लैंग्वेज है. ओके, दैट इज अ लैंग्वेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. ओके, तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसिस आर इक्वल इन नंबर. क्यों बेटा? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है, यू दे हैव टू फॉलो द चारगाफ्स रूल. तो यहाँ पे ये फॉलो करते हैं चारगाफ्स रूल, वेयर एडेनाइन इज इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानोसिन. ओके, तो आरएनए में आप देख लो, देयर इज नो प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन नंबर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. क्यों? क्योंकि यूजुअली ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं. अगर होते भी हैं तो पता नहीं कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन तो आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैंने एक स्टोरी बनाई है. दिस इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ. ओके, सो दिस इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ. ये मैंने ना लास्ट ईयर में जब मैं पढ़ाती थी तो तब टाइम ज्यादा हुआ करता था. मैं जो सेंट्रल डॉग्मा है उसको अच्छे से याद रखने के लिए ये बताती थी. ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को. सो इफ यू गिव मी 2 मिनट्स ऑफ टाइम, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस. ठीक है, जो सेंट्रल डॉग्मा है बेटा उसको ऐसे याद रखो, जो पूरा सेल है दैट इज वन बिग किंगडम. किंगडम मतलब क्या? एक साम्राज्य. ठीक है, तो किंगडम के अंदर होता है पैलेस, क्योंकि साम्राज्य में राजा तो होगा. राजा कहाँ पे रहता है? पैलेस में. तो राजा जो है वो कहलाता है डीएनए. ठीक है, जो उसका राजा का पैलेस है वो न्यूक्लियस है. देखो, राजा अपने पैलेस में रहता है, न्यूक्लियस पैलेस हो गया, डीएनए इज किंग. तो ये आपको याद रखना है. तो अब क्या होगा बेटा, ये जो राइबोसोम है, ठीक है, जो राइबोसोम है ये आर्मी ऑफिसर है जो देखभाल करता है प्रोटीन फैक्ट्री की. मतलब जैसे आर्मी ऑफिस है उसको हम बुलाते हैं प्रोटीन फैक्ट्री. मतलब आर्मी ऑफिस में ही तो सब कुछ होता है ना. हाँ भाई, कौन से आर्मी ऑफिसर को कहाँ पे भेजना है, कौन से सोल्जर को कहाँ पे भेजना है, कैसे साम्राज्य की प्रोटेक्शन करना है, कैसे किंग की प्रोटेक्शन करना है, वो सारी चीजें वो आर्मी ऑफिस ही हमको प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है. ठीक है, अब मैंने बताया हमारा किंग जो है वो है डीएनए. तो किंग के पास है कुछ स्पेशल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो भी है कोडेड फॉर्म में. तो ये जो कोडेड फॉर्म में है इसको क्या करना है? अभी समझ लो कोई किंग है, किंग वन. तो ये किंग वन क्या करेगा, जब इसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा किंग टू, तो वो सेम इंफॉर्मेशन पास डाउन होगा. तो इससे जब किंग थर्ड आएगा तो सेम इंफॉर्मेशन पास डाउन होगा. तो इस प्रोसेस को ही तो बेटा हम बुलाते हैं रेप्लिकेशन. तो ठीक है, इस प्रोसेस की तो बुलाते हैं रेप्लिकेशन. जो किंग है, जो डीएनए है, वो रेप्लिकेट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो किसी भी जनरेशन में जाओ आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो उसके पूर्वजों से मिला था और उसके बेटों में भी जाएगा. आपको समझ आ रहा है? दिस इज माई इनोवेशन. ये मैं ऐसे करके पढ़ती हूँ ना, तो कभी भी सेंट्रल डॉग्मा नहीं भूलोगे, कभी भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं भूलोगे. दिस इज अ ओवरव्यू.
ठीक है, तो अब आ जाओ बेटा आरएनए। जैसे राइबोसोम हमारी प्रोटीन फैक्ट्री थी, उसी तरह आरएनए जो है ना वो हमारा आर्मी का कमांडर है, एकदम हेड हेड ऑफ द आर्मी। ठीक है, जैसे किंग से डायरेक्ट बातचीत में रहता है, किंग के साथ रहता है, किंग के प्रोटेक्शन में रहता है, वो कमांडर ऑफ आर्मी है। ठीक है, तो ये जो आरएनए है ये डीकोड करता है जो कोडेड इंफॉर्मेशन थी डीएनए के पास, जो डीएनए के पास कोडेड इंफॉर्मेशन थी वो डीकोड करके कॉपी करता है। ओके, डीकोड करके कॉपी करने का काम होता है आरएनए का, दैट इज आर्मी कमांडर। ठीक है, ये होता है। तो आर्मी कमांडर के बहुत सारे क्या कहते हैं लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इस आर्मी कमांडर को। ठीक है, तो कौन से लोग हैं बेटा? एक होता है एमआरएनए जो मैसेंजर है। ठीक है, तो आर्मी कमांडर का पर्सनल मैसेंजर है ये एमआरएनए। ठीक है, ये मैसेज करता है, इधर से उधर इंफॉर्मेशन को लेके आता है, वहां से यहाँ लेके चलता है। ठीक है, एमआरएनए हो गया। एक होता है टीआरएनए। टीआरएनए बताने से पहले आरआरएनए, आरआरएनए क्या करता है, ये जैसे सुपरवाइजर है आरआरएनए। ठीक है, ये पूरा सुपरवाइज करता है कि हाँ भाई पैलेस की चीजें कैसे चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, किंगडम में किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, हाँ, तो वो सारी चीजें ये मैनेज करता है आरआरएनए। तो टीआरएनए का काम क्या है बेटा? टीआरएनए एक सिपाही के जैसा होता है जो हमेशा, ठीक है, एमआरएनए के साथ होता है। ठीक है, एमआरएनए तो मैसेंजर आरएनए है ना, तो ये जो टीआरएनए है वो सिपाही की तरह हमेशा लगा रहता है एमआरएनए के साथ। ठीक है, तो ये अब समझ में आएगा बेटा आपको, यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये जो दिस इज एमआरएनए, ये एमआरएनए है। एमआरएनए हमेशा यहाँ पे आप देख लो कोडेड में है, कोडेड इंफॉर्मेशन। ओके, दैट इज ट्रिपलेट, कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट में होता है। ठीक है, तो इस ट्रिपलेट कोडॉन को एंटी कोडॉन आके अटैच करेगा। और ये जो एंटी कोडॉन जो है वो होता है टीआरएनए के अंदर। ठीक है, तो टीआरएनए के अंदर अमीनो एसिड भी होता है और एंटी कोडॉन भी होता है। तो ये जो कोडॉन है उसको अटैच करेगा एंटी कोडॉन, और जो उसके पास अमीनो एसिड है वो छोड़ते जाएगा। तो वो अमीनो एसिड ऐसे बहुत सारे टीआरएनए आएंगे, उनके कोडॉन में एंटीकोडॉन लगा के बैठेंगे। जैसे जैसे वो बैठेंगे, यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज्वाइन होते 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 वो प्रोटीन बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो टीआरएनए और एमआरएनए है, ट्रांसलेशन इन दोनों के बगैर तो अधूरा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ठीक है, अब इन सारे चीजों में एक चीज बहुत जरूरी है, जो एंजाइम्स है। ठीक है, एंजाइम्स के बगैर देखो सब लोग हैं। ठीक है, राजा है, उसका साम्राज्य है, कमांडर है, आर्मी है, सब, बट कॉमनर्स के बगैर कुछ क्या राजा होगा, है ना? वहां की प्रजा के बगैर क्या राजा होगा? तो प्रजा है बेटा हमारे एंजाइम्स और फैक्टर्स। जब एंजाइम्स ठीक ठाक काम करेंगे तब सब चीजें ठीक होंगी। अगर एंजाइम, अगर कोई भी एक भी एंजाइम वर्क करना रुक गया तो समझो सब कुछ चला गया। ठीक है, तो ये इनके हाथ में होता है। कॉमनर्स मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी किंगडम में। ठीक है, तो समझ लो कोई भी कॉमनर को किंग की कोई एक्टिविटी पसंद नहीं आई तो वो किंग को गिरा देगा भाई, डिथ्रोन कर देगा। वो भी उसके पास कैपेसिटी होती है कि पब्लिक पावर। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बस बिफोर लीविंग देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अ बैक्टीरियम ग्रोन ओवर मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर इनकॉर्पोरेट्स रेडियोएक्टिविटी इन दिस क्वेश्चन। इसका आंसर करो बेटा और यू आर फ्री टू गो। वेरी गुड हिमांशी। मैंने बताया ना, जब हम सल्फर की बात करते हैं तो आप याद रखो प्रोटीन। ठीक है, जब हम फॉस्फरस की बात करते हैं आप याद रखो डीएनए। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, प्रोटीन। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। हाँ, ये सब कुछ हम कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एवरीवन, बाय बाय। Thank you so much.